Hey guys, welcome back to the channel and welcome to yet another vlog, Inside Dental Vlog. So I am Dr. Abhishek, back with another video. So आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज का जो वीडियो का टाइटल ये है कि हाउ टू क्लियर व्हाइट स्पॉट्स इन द माउथ, मुंह में सफेद दाग कैसे हटाएं. अब काफी लोगों को ये सुबह सुबह दिक्कत आ जाती है कि जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके मुंह से व्हाइट जैसा कुछ निकलने लगता है. तो आज मैं आपको सब डिफरेंस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या होता है, क्या नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल होता है, उसमें डिफरेंस क्या है. तो ऑफलेट मुझे काफी डीएम्स आए इंस्टाग्राम में, तो काफी लोग ये परेशान हैं कि मॉर्निंग में जब उठते हैं उनके मुंह से व्हाइट कुछ निकलता है. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, व्हाइट जो निकलता है उस पर खुद सर्च करने लगते हैं इन वेरियस इंटरनेट इंजिन्स, जो कि नहीं करना चाहिए. पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद उनको लगता है कि वो व्हाइट स्पॉट लिकोप्लेकिया है, ओएसएमएफ है, और वो अंदर ही अंदर डर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, खुद ब खुद रिसर्च करते हैं. तो उनसे उनके अंदर मन में डर बहुत बैठ जाता है. तो मैं ये डर क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए हूं. और देखिए, जब भी हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, हमारे माउथ के अंदर काफी ज्यादा शेडिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की, प्लस काफी ज्यादा फूड डेब्री रहता है, उसको बोलते हैं मेटीरिया एल्बा. तो कभी कभी हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कुछ भी अगर व्हाइट चीज जैसा दिखता है तो हमको लगता है कि वो कोई एबनॉर्मलिटी है, लेकिन वो बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है. वो मेरे में भी होता है और काफी लोगों में होता है. रही बात एबनॉर्मलिटी की, तो जो व्हाइट जो लीजन है, जो व्हाइट पैच है माउथ के अंदर, अगर वो आप एक गौज तो आपको पता ही होता है कैसा होता है, एक कपड़ा मिलता है मेडिकल स्टोर में 10 या 15 रुपए का गौज मिलता है, उसको फोल्ड करके आप उस व्हाइट पार्टिकल को अगर रिमूव करने की कोशिश करते हैं और वो रिमूव नहीं होता है, तब वो व्हाइट पैच थोड़ा चिंताजनक होता है. अब वो व्हाइट पैच किस चीज का हो सकता है, व्हाइट पैच बहुत सारे केसेस में होता है. आप लिकोप्ले के जानते हैं, आप ओएसएमएफ जानते हैं, आप लाइकेन पैनल्स जानते हैं, लेकिन ऐसे और भी डिजीजेस हैं जैसे कि डेरियस डिजीज हो गया, देन जॉगरिन सिंड्रोम हो गया, देन वेरियस ऐसे बहुत सारे डिस्कॉइड ल्यूपोसाइटोमैटिस हो गया, लाइकेनॉइड रिएक्शन हो गया, ये सब चीजें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं आपको नहीं पता है. आप बस 2-3 देख लेते हैं गूगल में या नेट में कि ओएसएमएफ ल्यूकोप्लेकिया लाइकेन पैनस, और उसी को लेकर रिसर्च करते रहते हैं. तो ये आप लोगों का काम नहीं है, आपका काम है कि उस व्हाइट पैच को कैसे हटाया जाए. उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है. पहले तो राइट डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, खुद से कभी भी डायग्नोसिस की तरफ ना जाए. अच्छा, अगर कोई भी व्हाइट पैच है, अब देखिए बहुत डिफरेंस है. अगर लाइकेन प्लैनस का व्हाइट पैच है, उसका जो मेडिसिन है उसको हटाने के लिए, वही मेडिसिन लिकोप्लेका के लिए नहीं है कि लिकोप्लेका का व्हाइट पैच उसी मेडिसिन से हट जाए. सपोज आई गिव लिकोप्लेका, अगर मैं किसी पेशेंट को 0.025% मैं अगर देता हूं रेटिनो ए जेल, जैसे कि जिसमें रेटिनोइक एसिड होता है, मैंने बोल दिया ऑनलाइन और किस तरीके से अप्लाई करना है वो नहीं बताया, तो क्या होता है जब पेशेंट अप्लाई करेगा, तो अब रेटिनो है एंटी केराटोलाइटिक एजेंट, पेशेंट को बहुत जलना स्टार्ट होगा. लेकिन अगर आपने फुल इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी होगी, उसको क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, उसको हनी या दही में मिक्स करके लगाना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस होती हैं. कि अब यही चीज अगर आप लाइकेन पैनल्स में करेंगे, आपको दिख गया व्हाइट है, आपको लग गया ओके लिकोप्लेकिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर एक व्हाइट लीजन अलग होता है, हर व्हाइट लीजन का कारण अलग होता है. अगर आप पिज्जा खाते हैं, ठीक है, तब भी आपके माउथ के अंदर व्हाइट लीजन हो सकता है. बताइए कैसे, आप पिज्जा खाते हैं तो जो चीज होता है वो इतना गर्म होता है कम्पेयर टू द पिज्जा, जब आप खाते हैं तो वो पैलेट जो तालू होता है उसमें बर्न हो जाता है, उसमें भी व्हाइट लीजन जैसे दिखता है. या फिर कोई केमिकल आपके टूथ में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, आपने एक लौंग का तेल डाल लिया दांत के साइड में, तो उससे भी कभी कभी केमिकल बर्न हो जाता है. काफी लोग मेडिसिन अपने मुंह के नीचे दबाते हैं, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, उससे भी कभी कभी केमिकल बर्न हो जाता है, कभी कभी वो व्हाइटिश दिखता है. अब उस व्हाइटिश पे अगर आप रेटिनोइक एसिड जो ल्यूकोप्लेकिया में दिया जाता है वो लगा देंगे तो और जलेगा ना, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो कोई भी व्हाइट लीजन आपको खुद से डायग्नोसिस नहीं करना है, और डिफरेंट व्हाइट लीजन के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है. अब एक और डिजीज होता है कैंडिडियासिस, उसमें क्या होता है ना, व्हाइट लीजन स्क्रेपेबल होता है. तो बेसिकली ये स्क्रेपेबल में होता है, एक नॉन स्क्रेपेबल में होता है. नॉन स्क्रेपेबल में जो होता है उसमें कैंडिडियासिस भी हो सकता है और बहुत सारे हेमेटेरिया एल्बा हो गया. तो उसमें भी अगर आप कैंडिडियासिस में क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, तो अगर आप में उसमें कुछ और दवाई लगाएंगे, उसमें आप केनाकॉट लगाने लगेंगे जो काफी कॉमनली अवेलेबल है और लोग खुद ब खुद खरीद के उसको लगाने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स खूब बहुत खराब हो सकते हैं. या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें आए जो कि
आपके बॉडी को हार्म करें। अगर आप डायबिटिक हैं और आप किनाकोट लगा रहे हैं तो स्टेरॉयड जो है आपकी बॉडी के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है। काफी लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स को पता होती हैं और पेशेंट को लगता है कि हमने गूगल से सब कुछ देख लिया और हमको सब आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो भी डायग्नोसिस है, मेडिकल साइंस एक बहुत ह्यूज फील्ड है। 10-10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सारी बुक्स लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए ये बहुत स्ट्रगलिंग ब्रांच होती है, मेडिकल ब्रांच और डेंटल की भी ब्रांच जो होती है। तो ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर को सब कुछ आता है, वो परफेक्ट डॉक्टर है, और दूसरा डॉक्टर को कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अपने अपने फील्ड में भरपूर कोशिश करते हैं कि पेशेंट हील हो जाए। और ऐसा अगर आपको लगता है कि आप जाएंगे और डॉक्टर के पास ये टेस्ट लिखेगा, डॉक्टर वो टेस्ट लिखेगा, बहुत मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं, खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खुद का इलाज कर रहे हैं, उससे ऐसा कुछ हो सकता है जो कि इरिपेरेबल डैमेज हो, मतलब कि ऐसा कुछ डैमेज हो जाए आपकी बॉडी को जो कि रिपेयर के बाहर हो। तो हमेशा कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1-2 साल तक वो खुद का ही ट्रीटमेंट कराते हैं और सही डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, तो रूट कॉज को नहीं निकालते हैं और वही चीज जो है कैंसर में डेवलप हो जाती है लेटर ऑन। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर से आप जाइए, जो भी डायग्नोसिस होगा आप कराइए और अपना सही इलाज कराइए, खुद से, खुद ब खुद कभी भी ना कराए। और वैसे हालांकि बहुत सारे ऐसे रेमेडीज, होम रेमेडीज का भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप करक्यूमिन जो होती है, कच्ची हल्दी, जो कि हर जगह नहीं मिलती है, लेकिन आप किसी विलेज एरिया में है या विलेज गांव में है तो वहां पे आप जाके कच्ची हल्दी, अदरक जैसी दिखती है, जिंजर जैसी, उसका पेस्ट बना के आप दही के साथ अपने ओरल कैविटी में लगा सकते हैं। अब देखिए हर रोज करना ये मुश्किल है, तो क्या करिए, थोड़ा सा ज्यादा अदरक कूटिए और पेस्ट बना के फ्रिज में रख दीजिए दही के साथ, मिक्स इट, दही चारों तरफ अपने ओरल कैविटी में लगाए और उसको ड्रिंक कर लीजिए पानी के साथ। सो ऐसे बहुत सारी रेमिडीज हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। और मैं यूजली अभी कोरोना के टाइम में जब आप नहीं जा पा रहे हैं क्लिनिक्स वगैरह, क्योंकि कोरोना पेशेंट का डर रहता है, तो घर पे ये होम रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हैं। टोमेटो ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाइए और हेल्दी रहिए। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, अनटिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर। अगर आपने कोई डाउट्स पूछने हैं तो आप sai_dental में पूछ सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और प्लीज गो एंड फॉलो मी देयर। टेक केयर।